सेनापति देव अब दौरा लेकर के जा रहे हैं, चलते हैं अब। से बाहर तक का काम काज घर में आर्मी का मैं छोटा बच्चा तो सासु बीमार पड़ गया। पति देव देख सकते हैं सोए हुए हैं। अभी अभी छठ खत्म हुआ है और जिया को देख सकते हैं, आंखें भर आई है। क्या हो गया जिया? अभी बज रहे रात के 2:15 और हमारा क्रियांश जो है लगभग 1 घंटे से जगा हुआ है, 1.5 घंटे से जगा हुआ है। उसी समय जगा हुआ है, या तो नींद उसी समय से खुला है। तो क्रियांश जो है अपना जगा हुआ है, हम लोग अलार्म लगा करके रखे हुए थे 2 बजे का, लेकिन यह अलार्म जो है एक अलग अलार्म था, वह 12 बजे ही बज गया है ना। तो अब जो है हम लोग उठ रहे हैं और जो बाकी काम है छठ का वो सारा काम सब पूरा करते हैं। और इसका पैर देखिए कैसे चल रहा है। ओए ओए, अब शांत हो गया कैमरा, आया शांत हो गया। तो अब जो है जल्दी से अब बेड से उतरते हैं और क्रियांश को जो है कोई एक गोद में ले लेगा, चाहे जिया लेगी चाहे हम लेंगे, और बाकी सारा काम जो है वह पूरा करते हैं। सबसे पहले तो नहाना जरूरी है, तो जाते हैं और नहा लेते हैं। वैसे गांव में जब रहते थे हम लोग तो नहाना जो है हम लोगों का घाट पे ही हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो है घाट पर नहाना भी बंद कर दिए थे जब डूबने का केस सब आने लग गया वहाँ पर। फिलहाल अब चलते हैं, जाकर के स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद, नहाने के बाद जो है फिर पूजा का अरेंजमेंट करेंगे और 3 बजे जो है मम्मी भी उठ जाएगी, पापा भी उठ जाएंगे, तो उससे पहले जो है सारा काम निपटा लेते हैं। हमारा हो गया जी नहाना और जिया को देख रहे हैं, जिया अपने काम में लग भी चुकी है तो जल्दी से जाते हैं और जिया का भी थोड़ा हाथ बटा देते हैं। डाला जो है पूरा हो चुका है तैयार, बस उसके ऊपर से जो है अब यहाँ कपड़ा बांधना है। ये बात जो है हम लोग रेडी होंगे, माँ रेडी होगी, बुआ को नहाएंगे, पहले छत की सफाई कर लो फिर रेडी हो जाता। यहाँ पर जो भी सूप है जी वह सब तो देख रहे हैं, अच्छे से धुला जा चुका है, जो भी प्रसाद है। अब बताओ क्या काम है मेरे लिए? काम है उधर जाइए, उसको डाला में रखिए। ठीक रखते हैं। सभी लोग अब तैयार है जी, अब ऐसा करते हैं जल्दी से जाते हैं, सारा डाला को ऊपर लेकर के चलते हैं। माँ भी जल्दी आती होंगी। सेनापति देव अब दौरा लेकर के जा रहे हैं, चलते हैं अब। मम्मी जो है आ चुकी है जी घाट के अंदर और यहाँ पर जो हमारे गजराज हैं उसके ऊपर जितना भी दीपक है सभी को जलाया जा रहा है। इधर माँ चली घाट पर और उधर जिया ने सारी सूप को तैयार कर रखा है और फिर जी कुछ देर बाद ही हमें सूर्य भगवान नजर आने लग गए, तो बारी आ गई जी अर्घ देने की। छठ में तो जी पूजा ही इसी चीज की होती है, एक दिन पहले सूर्य भगवान की पूजा होती है डूबते हुए सूरज की और अगले दिन पूजा होती है उगते हुए सूरज की। तो अभी जो है सूर्योदय हो गया तो सभी लोग बारी बारी से अर्घ दे रहे हैं। अर्घ हम लोग जो है जो वहाँ जल मौजूद रहता है उससे भी देते हैं और साथ साथ जो है हम लोग दूध से भी अर्घ देते हैं। तो यहाँ क्रियांश भी आ गया है अर्घ देने के लिए। क्रियांश चाह रहा था कि खुद से अर्घ दे, लेकिन छोटा सा बच्चा है जी, खुद से कैसे दे पाता, तो हम लोग पकड़ के उसकी मदद कर रहे हैं कि वह खुद से अर्घ दे पाए। सभी सूप में तो अर्घ दे दिया जी, फिर बारी आई वहाँ जो डाला है जो फल से भरा हुआ था उसमें अर्घ देने की। तो माँ जो है उसमें अर्घ दे रही है और साथ साथ वहाँ जो गजराज थे उनकी भी विसर्जन की बारी आ गई थी, तो हम लोग कर रहे हैं विसर्जित। क्रियांश जो है नहाने के लिए बैठे हैं वहाँ पर चमड़े की टब में खुद ही। बारी है जी यहाँ आरती की, माँ के हाथ में दिया जा रहा है यार। सभी सूप में अर्घ दिया जा चुका है जी, अब उसके बाद बारी है आरती करने की। हमारी जो छठ पूजा का समापन होता है इसी आरती के साथ होता है। आरती करने के बाद सभी लोग आरती ले रहे हैं और फिर उसके बाद जो है माँ सभी को टीका कर रही है। तो उसमें जो है क्रियांश को भी टीका किया जा रहा है, मुझे भी किया जा रहा है और पापा को भी किया जा रहा है, लेकिन क्रियांश जो है उसको टीका लगाने में थोड़ी सी परेशानी तो होगी ही जी, बेचारा नटखट बच्चा जो है। उसके बाद जिया ने कहा कि माँ मुझे पूरा नाक से सिंदूर कर दीजिए, तो माँ कर दी और फिर हो रहा है जी प्रसाद वितरण। जैसे ही माँ प्रसाद लेकर के क्रियांश की तरफ गई, क्रियांश तो प्रसाद की तरफ ऐसे लपका जैसे कि वह बहुत देर से इसी चीज का इंतजार कर रहा था। वैसे भी जी क्रियांश के मुंह की तरफ कुछ भी आ जाए उसके मुंह के पास, बेचारा खाने को तो हमेशा तैयार रहता ही है। फिर माँ अब कोशिश कर रही है उसको बंधी पहनाने की, लेकिन क्रियांश भी इतनी आसानी से कैसे पहनने वाला था। मेहनत करवा दिया माँ से, लेकिन माँ को जो है सफलता मिल गई। फिर बारी आई जी बाकी सभी को बंधी पहनाने की, तो यहाँ पर पापा को पहना रही है, उसके बाद मुझे पहना रही है, फिर उसके बाद बाकी जिया को। फिर जिया जो है माँ के पैर धुल रही है, कहा जाता है घाट से जब भी पर्वती लौटती है तो उसके बाद उनका पैर धुला जाता है, तो जिया भी पैर धो रही है। तो यहीं पर जी हमारे छठ पूजा का हुआ समापन और अब सभी लोग चल रहे हैं, प्रसाद भी हाथ में आ ही चुका है, नीचे चल करके खाते हैं सारा प्रसाद। माँ का छठ हो गया जी पूरा और अब बारी है पारण करने की। आदि से पारण होता है,
चलो हो गया माँ का पारण, अब शरबत तैयार है। जिया को देख सकते हैं जो कितना ज्यादा रो रही है, बहुत ज्यादा भावुक है ये, पता नहीं किस चीज की याद आ गई। अभी अभी छठ खत्म हुआ है और जिया को देख सकते हैं आंखें भर आई है। क्या हो गया जिया? दिख नहीं रहा क्या कर तो जिया जो है प्याज काट रही है, तो प्याज काटने की वजह से जो है इसकी आंखें भर आई है और इसका जो है लगभग हो गया है प्याज काटा हुआ। पकौड़ी बनाएगी ना, तो जल्दी से बनाया जाए। जिया माँ के लिए बना रही है जी गरम गरम पकौड़े। कुछ पकौड़े तो बन भी गए हैं और बाकी पकौड़े तल रहे हैं, तो यहाँ जो पकौड़ा है जा करके माँ को दे आते हैं। और वहाँ जो ताकि माँ को मिल जाएगा तो हमको भी मिलेगा। बिल्कुल, हमें भी भूख है और बहुत ही तेज भूख लगी हुई है। जाके पहले माँ को देख के आएगी। पकड़ समझो रहा है, तू लोग मिल गए जब होगा तो बिना मांगे मिल जाएगा कि हम भी नहाएंगे उसी में, नहाता है रोटा में। अच्छा पहचान में भी कोई दिक्कत नहीं है नहाने में? कौन मजा आता है, बहुत खेलता है। कल देखेंगे रात में जो है The next day. अभी शाम के 5 बज रहे हैं और बउआ भी चला गया नीचे, आज थोड़ी देर सोया है वो, वैसे तो सोता ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ है। अभी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है पतिदेव की, थोड़ी सी क्या ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा परेशानी हो गया, मार्केट घर का काम, इस वजह से फीवर हो गया है, उल्टी हो रही है। तो अभी माँ बोली कि बउआ का डायपर लेके आओ, क्योंकि डायपर पहनाना अभी जरूरी हो गया उसको, कि अभी ठंडा का समय हो रहा है और दूसरा जो है अगर वो पहनेगा नहीं तो बार बार वो गीला कर देता है तो दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा। पतिदेव देख सकते हैं सोए हुए हैं, पर्स दो को लेके क्यों गुंजी कर रहे थे जी? पता नहीं कब रखी, हमको याद भी नहीं है कुछ। ये दो पर्स ऊपर पर से एक कोई काम कर रहे होंगे, काम कर रहे इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस का काम कर रहे थे ना तो थोड़ा सा चल के नीचे अच्छा लगेगा। इनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया, अभी भी फीवर है क्या? हल्का सा बेबी है, रात में तो बहुत ज्यादा हो गया था, रात में खाना भी नहीं खाए और फिर सो गए। खाना खाने का मन कर ही नहीं रहा था क्योंकि कुछ भी खा रहे थे निकल जा रहा था अंदर से, इसीलिए नहीं खाया हम। रात में जब बहुत ज्यादा फीवर चढ़ गया तो भूखे पेट तो दवाई दे नहीं सकते हैं, तब सेब खाए। नहीं सेब खाए रात 3 बजे करीब, तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है हमको इनका, फिर भी कल के मुताबिक। चलिए थोड़ा नीचे बवक देखिएगा तो अच्छा लगेगा आपको। चलो चलते, बेड पे पड़े रहने से ना और तबीयत खराब लगता है ना, अभी कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या बताए तुम समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा नीचे कि जा करके सोनू को ले आओ, थोड़ा अच्छा लगेगा नीचे और बेड पे उसको मन भी नहीं लग रहा होगा, तो चलते हैं। ये देख सकते हैं बलून वलून जो है थोड़ा सुटक गया है, छठ पूजा का ही था और बहुत सारे बच्चे सब जो है ना लेके गए, और थोड़ा बहुत जो बचा है यहाँ पे ही है और छत पर का तो सब बच्चे उच्चे लेके गए। और इधर देख सकते हैं हमारी प्रियांश को दूध पी रहा है जो कि दादी की एक्टिंग पूरा करता है अभी पता है माँ आपकी एक्टिंग करा था तो इसको हम रिकॉर्ड किए हैं। बाप रे कितना मच्छर है। बाबा को लगता है जिससे रोता है नहीं, बाबा को लगता है कि आप रोए ठो नहीं, इसलिए नहीं भूख तभी दूध पिला दे इन्हें समझते हैं दूध पिलाए पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। दादी को मारेगा रे, होता है पचने का जितना शक्ति रहेगा उतने ना, नहीं रोए ठोने चाहे उसके लिए दूध पिलाना पड़े बिना मतलब का, इतना बदमाश है। और डैडी जो छठ पूजा में 2-3 दिन रह गए और बहुत गया है, नीचे रहना ही नहीं चाहता, इसको खेलने का इसलिए नहीं खा रहा खेलने का। तो यहाँ क्रियांश को देख सकते हैं खेल रहा है सबके साथ, क्रियांश खेल रहा है और छठ जो है अब समाप्त हुआ और तब दीदी बताएगी कैसा लगा छठ में। ये कहने की बात नहीं होती, महसूस करने की बात होती है कैसा लगा, ये तो आप लोग सब देखे होंगे। आज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हर साल इसी तरह सबको मौका मिले, मुझे भी सबके साथ मिले, लेकिन थोड़ा सा परेशानी हो गया, घर से बाहर तक का काम काज, घर में आदमी का, मैं छोटा बच्चा, तो सास ससुर बीमार पड़ गया और फिर एक दो दिन रेस्ट करेगा तो मुझे लगता है कि उन्हीं की कृपा से ठीक हो जाएगा, फिर अपने काम काज पर सही रूप से लग जाएगा। और मेरा पोता जो है तो जिया रह गई परब का काम करने में और सास ससुर घर से बाहर करने, मेरा पोता जो है 4 दिन से लगातार बाबा के पास रहा है, अब ये इतना बर्बाद हो गया है लगता है आगे क्या सब करेगा। बाबा जी इसका जो है हर ख्वाहिश पूरा कर, ऊपर जाता ही नहीं, ऊपर में जाना नहीं चाहता, दिन भर बाबा के पास रहना चाहता है, बाबा कोर्ट कचहरी छोड़ के इसका नौकरी कर क्योंकि ऊपर में हम लोग जो है घुमाते नहीं, यहाँ डैडी को जो बोलता है कि घूमना है तो घूमना है, डिमांड पूरा हो जाता है, सारा डिमांड पूरा हो जाता है। जिस घर में औलाद नहीं वह घर नहीं, और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि ऐसा कोई घर न हो जहाँ बच्चों की रोने की आवाज़ नहीं आए, उसके किलकारी की आवाज़ नहीं आए।